वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल ऑफ उज्ज्वल क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ परसेंटेज के क्वेश्चंस। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे। आज मैं आपके सामने क्वेश्चंस लाई हूँ इलेक्शन से रिलेटेड, और एसएससी एग्जामिनेशंस में काफ़ी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन है, चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए और उसने 1100 मतों से विजयी हुआ, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देखिए, चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली हम 100 को एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, हम एज्यूम करते हैं 100, इसमें से क्या है कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो जब 8% अपना वोट नहीं डालेंगे तो वोट डालने वाले जो हो गया वो हो गया 92। ये जो 92 है ये अपने आप में 100% के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। ये 92 है, इसको हम अपने आप में 100 एज्यूम करेंगे तो इसमें एक कैंडिडेट को 48% मिल रहा है। ठीक है, तो ये विजयी हुआ 48%, मतलब यही जीतेगा। और दूसरे को कितना मिला 92 में, जब इसको 48 मिल गया तो बचा यहाँ पे 44, क्योंकि यहाँ पे हम 92 को ही 100% के इक्विवेलेंट रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक को अगर 48 मिलता है तो दूसरे को 44 मिलेगा। अब देखिए, इसमें जीतेगा तो यही, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है हमारा 4। ठीक है, और यहाँ पे जो हारने वाला और जो जीतने वाला है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1100। ठीक है, तो देखिए, एक यूनिट की 4 यूनिट की वैल्यू 1100 है, तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 275। कुल कितने मतदाता थे 100, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 275 × 100 बराबर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। आई होप क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60% मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाता का मत मिला, मतलब कि जो जीतता है उसको 47% वोट मिलता है, और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से 308 मत अधिक किए, मतलब 308 वोट से वो जीत रहा है। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? ठीक है, इसमें देखिए हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा हो गया हम इसको एज्यूम करेंगे 100। ठीक है, इसमें से जो 10% है वो अपने वोट का यूज़ नहीं कर रहा है, तो वोट का यूज़ करने वाले कैंडिडेट हो गए 90। अब इसमें से जो एक कैंडिडेट था उसको मिला है 47%, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा 43। इस ये भी अपने आप में 100% के बराबर ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, सेम जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, डिफरेंस आया 4 का, और क्वेश्चन में जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 308 का दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब 308 जो हमारा है इसमें से क्या हुआ था कि 60% इतने लोगों ने वोट नहीं डाले, अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो जब 60 लोग अपना मत पत्र खाली छोड़ देते हैं तो उसमें से, क्योंकि ये जो टोटल था इसमें काउंटिंग सबकी होगी, बाद में पता चलता है कि जो 60 मतदाता थे, वोटर्स थे, उन्होंने किसी को वोट अपना मत खाली छोड़ दिया है, तो टोटल जो ये हुआ हमारा ये 248 हुआ। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 248, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 62। ठीक है, और हमें टोटल वोट निकालना है जो हम 100 को एज्यूम किए थे वो हमारा हो जाएगा 6500। ठीक है, ये हमारा होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और वो 98 मतों से जीता। कुल कितने मत थे? ठीक है, सेम वही प्रोसेस हमारा होगा, 100 एज्यूम करेंगे, इसमें एक कैंडिडेट को मिलता है 40
52%, और दूसरे को तब कितना मिलेगा, जब 52% इसको मिल गया तो दूसरे को मिला 48%। ठीक है, दोनों के बीच का हमारा जो डिफरेंस है वो 4 का आया, और यहाँ पे हार जीत कितने मतों से हो रहा है, 98, मतलब ये अंतर है उसका 98, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ठीक है, और हमको कितना चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए, तो 100% का हमारा वैल्यू हो जाएगा 2450। ठीक है, अब देखिए 68 मत अवैध घोषित कर दिए थे, लेकिन उसको भी हम जो भी अवैध मत होते हैं उनको भी टोटल वोट में शामिल करते हैं, तो हमारा जो टोटल वोट हो गया वो हो गया 2518। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में जीतने वाले को 55% वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 5% वोट मिले। यदि चुनाव में हार जीत का फैसला 9000 मतों से हुआ तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या क्या थी। ठीक है, देखिए इसमें तीन कैंडिडेट थे, फर्स्ट वाले को मिलता है 55%, ठीक है, तीसरे स्थान वाले को मिलता है 5%। ठीक है, तो 55% पहले को मिल गया, तीसरे वाले को 5%, तो बीच वाले को जो सेकंड वाला कैंडिडेट होगा उसके लिए कितना बचा होगा हमारा, 40%। अब देखिए जो हमारा हार जीत का जो मतलब कंपटीशन होगा वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ही कम है, तो इनके बीच का जो हमारा डिफरेंस है वो 15 है। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए 9000 मतों से फैसला होता है, मतलब 9000 का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो ऐसे ही हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया 60000। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको कुछ एरिया से बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगी जो परसेंटेज के चैप्टर में शामिल होते हैं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें।